क्रेव चक्कर, फिर बाद में बात करेंगे इसकी, क्रेव चक्कर क्या होता है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसकी, कि ऐसी क्या समस्या आ गई कि क्रेव चक्कर को चलाना पड़ रहा है। तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन इसको शुरू करते हैं, नहीं तो फिर अपना क्रेव चक्कर पूरा नहीं हो पाएगा आज भी। इससे पहले मैंने क्या बताया था, क्रेव चक्कर स्टार्ट करने से पहले अपने को एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, वो है लिंक अभिक्रिया। लिंक अभिक्रिया को शॉर्ट में बताता हूं मैं कि लिंक अभिक्रिया क्या होती है। पाइरूविक अम्ल कहाँ प्रवेश करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में या आधात्री में प्रवेश करता है और क्या बना लेता है, एसीटाइल को एंजाइम ए, फॉर्मूला लिख देता हूं इसका CH3COCOOH। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3CO सल्फर और को एंजाइम ए, मींस यहां तीन कार्बन का प्रोडक्ट था, ये एक दो तीन, और यहां पे क्या रह गया, दो कार्बन का प्रोडक्ट रह गया, ये कार्बन नहीं है, ये को एंजाइम ए है। यहाँ को एंजाइम ए नहीं था, यहाँ को एंजाइम ए आ गया, यानी कि इसमें क्या जुड़ गया, को एंजाइम ए जुड़ गया, यानी कि यहाँ तीन कार्बन थे, यहाँ दो कार्बन रह गए, यानी कि एक कार्बन बाहर निकल गया, मीन्स CO2 का अणु बाहर निकल गया। CO2 का बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। दूसरा, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हुआ किसमें, एसिटाइल को एंजाइम में, या अपन कह सकते हैं कि एक कार्बन ऑक्सीकृत होके क्या बना लिया, CO2 का अणु बना लिया उसने। पहले चेक कर लूं कल की तरह वो कि वही समस्या चलेगी, मैं यहां पढ़ाता रहूं और इधर कुछ दिखाई नहीं दे, आज तो नहीं आ रही ऐसी समस्या कोई। रुको 2 मिनट, अरे तो क्लास है वो कर। यहां कितने, तीन कार्बन थे, तीन कार्बन में से दो कार्बन रह गए, यानी कि एक कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, विकार्बोक्सिलीकरण हो गया। एक कार ओ यानी कि ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है तो उसके साथ साथ में क्या होता है, अपचयन भी होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों का हटना, तो यानी कि यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन भी क्या होंगे, हटेंगे, और ये किससे जुड़ते हैं, NAD+ पड़ा हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और उससे जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन आयन और किसका निर्माण कर लेते हैं, NADH+H+ का निर्माण कर लेते हैं। मैंने फिर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई थी कि यानी इसके दो अणु हैं तो ये भी दो अणु बनेंगे, तो यहाँ भी दो लेंगे, यहाँ भी दो लेंगे और यहाँ भी दो लेंगे, सभी चीजों को अपने को दो दो में ही लेके चलना है। फिर यहाँ एक मैंने एक इम्पोर्टेंट एंजाइम क्या बताया था, पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज, पायरुवेट का ऑक्सीकरण हो रहा है तो पायरुवेट लिख दो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मैंने फिर क्या बताया था, NADH+H+ का निर्माण होता है तो वहां पे अपने को डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ध्यान में रखना है, चाहे कहीं भी बने ये चीज, वहां पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जोड़ना है। तो एंजाइम क्या हो गया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एसिटाइल को एंजाइम क्या करता है, क्रेव चक्कर चलाएगा और फिर यहां से अपने क्रेव चक्कर स्टार्ट करेंगे। अब ये क्रिया कहलाती है लिंक अभिक्रिया। अब इससे पहले आपको एक आंसर देना है जो कल भी पूछा था कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या होता है। मैंने मध्यवर्ती क्रिया तो बताई दी कि यानी पहले ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था, ग्लाइकोलाइसिस, फिर ग्लाइकोलाइसिस से पायरिक अम्ल बना, पायरिक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम ए बना, रही है क्रेव चक्कर चलाएगा। तो
ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर को जोड़ने वाली क्रिया कौन सी हो गई? ये लिंक अभिक्रिया हो गई। इसी को योजक कड़ी भी कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर को जोड़ने वाली कौन सी कड़ी होती है? तो वो है लिंक अभिक्रिया। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल, जो था कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ कौन सा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा होता है रेस्पायरेशन का, उसका आंसर देना है। आंसर मिलने के बाद में अपन क्रेब्स चक्कर फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से जिसको पता हो वो आंसर दे सकता है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल भी क्या बताया था, आंसर आता हो तो आंसर बताना है, नहीं आता हो तो जब पढ़ लेते हो तब बता देना, फिर भी नहीं बता पाए तो फिर जैसे जब 12th क्लास कंप्लीट हो जाए तब बता देना, फिर भी नहीं आए तो बीएससी एमएससी करोगे और बीएससी एमएससी करोगे तब पढ़ के बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है ही नहीं कि तो मैं तो कहाँ से बता सकता हूँ। अब आप ही को ढूंढना है, जहां से भी मिले, आज मिल जाता है तो अभी बता देना, जब मिल जाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं देख लूंगा कि किसको पता चला या नहीं चला। तो अब शुरू करें क्रेब चक्कर, अपने कल भी हुआ था। हाँ प्रशांत, गुड आफ्टरनून। ठीक है पवन, एसिटाइल को एंजाइम ए को ही क्या कहा जाता है? श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ माना जाता है। पूरी जितनी अपन श्वसन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो अपने को बीएससी एमएससी तक नहीं पहुंचना, अभी ही क्लियर करना है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या होता है, तो वो होता है एसिटाइल को एंजाइम ए। तो अब इतना कल भी बताया था, आज भी बताया है, फिर भी बाकी के दो हो सकता है समझ में नहीं आया हो, तो अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब मैंने बोला कि मध्यवर्ती कड़ी कौन सी है लिंक अभिक्रिया, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वही क्या होगा, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ कहलाएगा, जिसका नाम क्या हो गया, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब अपन यहां से शुरू करते हैं क्रेब्स चक्कर, ये हल्का सा बना रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाने की कोशिश। चलो बन रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ये बन गया अपने। और यहाँ पे ये टेनिस के रैकेट लगा दो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए जहां तक है मुझे। ये आउटर मेम्ब्रेन लिख सकता हूँ इसको, और इसको लिख सकता हूँ इनर मेम्ब्रेन। चलो ये जो उबार नुमाई संरचना ही है इनको लिख सकता हूं मैं क्रिस्टी। क्रिस्टी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। और ये जो टेनिस के रैकेट बनाए हैं ये संरचना होती है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम या इन्हीं को कहा जाता है F1 कण। यहां तक दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन जो एसिटाइल को एंजाइम बन चुका है, और ये कहाँ, ये जो पार्ट्स है इसको यहाँ थोड़ा सा डिनोट करता हूँ मैं, मैट्रिक्स से। यहीं पे सब एंजाइम पड़े हुए हैं, आधात्री कहते हैं इसको हिंदी में। अब मैंने कल क्या बताया था कि एक प्रोसेस चलानी है अपने को, इस उसके बाद में अपने को कुछ जगह क्या करना है, उसमें नमक मिर्च डाल के और उसको खा लेना और ऊर्जा प्राप्त कर लेनी है। इसमें और कोई दोहराई नहीं है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इतने एंजाइम दिए होंगे हर स्टेप में एंजाइम मिलेगा, तो एंजाइम रटने की भी जरूरत नहीं है। जहां अपने जो कंसेप्ट की चीज है वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। अब यहां मैंने कल क्या लिखा था, लिखा था समोसा काटो। काटो एक ही वर्ड है, और यहां एस एस को ध्यान में रखना है, एक यहां थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब मैं क्या लिखता हूं, इस एस से शुरू करता हूं, एस को मैं यहां पे लिखता हूं, ये यहां तक दिख रहा होगा जहां तक है,
सक्सीनेट। एक बार चेक कर लूं मैं कि यहां तक दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां तक दिख रहा, थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं जो अपने बड़े बड़े वर्ड हो जाएंगे। यहां तक दिख रहा है सक्सीनेट, लिख दिया मैंने, पहला एस का काम हो गया सक्सीनेट। फिर एम आ गया तो मैं यहां पे लिखता हूं मेलिक एसिड, या मेलेट भी लिख सकते हैं इसको, और लिख देता हूं मेलेट, ये लिख दिया। फिर ओ आ गया, ओ आ गया तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, ये ओ ए क्या है, ओगजेलो एसिटिक एसिड। फिर ओ आ गया एस, अब मैंने पहले ही सर्किल कर रखा है कि एस को एस नहीं लिखना, एस को सी बोलना है यहां पे, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं सिट्रिक, सी से क्या हो गया सिट्रिक एसिड। और फिर क्या बच गया अपने, ए का कोई लेना देना नहीं है यहां पे, ये काटो वर्ड ध्यान में रखना है। अब काटो को मैं यहां लिख रहा हूं एल्फा कीटो ग्लू टेमिक एसिड। अब यहां तक मेरे को एक बार चेक करने दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दिख रहा है और अच्छे वर्डों में दिख रहा है। अब अपने को क्या करना था, ये समोसे को काटने की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं अब यहां से। मैंने क्या बताया था, एक चीज स्टेप और ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही है, इसके अलावा तीन वर्ड और ध्यान में रखने जिनको यहां लिख रहा हूं मैं CIO। CI होते हैं पुलिस में, होते हैं ना CI, तो CIO ध्यान में रखना अपने को, CIO। यहां पे इस सी से एक और क्या चीज बनाता हूं मैं, यहां लिख दूं सिस एकोनेटिक एसिड, आई से आइसो सिट्रिक एसिड, और ओ से यहां लिख देता हूं ओगजेलो सक्सी निल या सक्सी नेट। ये तो होगी तीन वर्ड यहां पे फिट करने हैं। यहां सक्सी नेट लिखा था मैंने, यहां पे एक बार में सक्सेस नहीं हो पाता है, इसलिए यहां पे क्या ध्यान में रखना, पहले यहां पे बीच में अपने को एड करना है सक्सी निल को एंजाइम ए। यहां पे मेलिक यानी मेला होना, मेला होने से उसको पहले फीका मेला करना है, तो यहां पे ऐड कर देता हूं मैं ह्यूमेरिक एसिड। अब ये अपने कंप्लीट फेल चुका है, अब इसको अपने को स्टेप में जोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना, होना जाना क्या है। सबसे पहले अपने को शुरुआत करनी है यहां से, इसको मैं लिखता हूं चार कार्बन का, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें चार कार्बन होते हैं, और मुझे तो कहां से पता चला था, जब मैंने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था वहां एक चक्कर चला था C4 चक्कर। C4 चक्कर क्यों कहा था उसको, कि उसमें पहला उत्पाद बनता है ओक्जेलो एसिटिक एसिड, और जिसमें चार कार्बन होते हैं, इस कारण उसको कहा था C4 चक्कर। तो ये चार कार्बन का उत्पाद है, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। अब यहां से अपने जो लिंक अभिक्रिया चली थी उसमें क्या बना था, एसिटाइल को एंजाइम ए बना था, ये एसिटाइल को एंजाइम इससे जुड़ेगा, इसमें एसिटाइल को एंजाइम का सूत्र था CH3CoS और को एंजाइम ए, यानी कि दो कार्बन का प्रोडक्ट है। पहले तो कार्बन की रामायण को खत्म करते अपन, चार कार्बन दो कार्बन यानी कितने कार्बन हो गए, छह कार्बन, यानी छह कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा ये।
ये जो बेसिक चीजें थी ना, इसको दूसरे नाम से किससे जानते हो पहले ही बता दी मैंने, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस अब अपने कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसी पे अपना फोकस है आज का पूरा। 6 कार्बन का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 कार्बन यहां से आए, 2 कार्बन यहां से आए, 4 और 2 कितने हो गए, 6 कार्बन। अब और क्या प्रोसेस हो रही है इसमें, ये ध्यान में रखना है अपने को। यहां पे क्या हुआ था, एक तो जबरदस्ती जल जुड़ जाता है इसमें। यहां पे को एंजाइम ए था, वो पहले भी जबरदस्ती जुड़ा था, तो इसको वेस्ट चीज है, तो ये इसको बाहर निकाल दो, को एंजाइम ए बाहर निकल जाता है इसमें से। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे पता है, यानी कि एसीटाइल को एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, सिट्रिक एसिड बना लेता है, जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं। ये प्रोसेस हो गई कंप्लीट। इसके बाद में क्या करता है, ये जो जल यहां जबरदस्ती जुड़ा था, ये जल यहां क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर क्या हुआ, फिर बाहर निकल गया, फिर क्या होता है, फिर जबरदस्ती क्या होता है, जल यहां पे जुड़ जाता है। कोई समस्या नहीं है, जल जुड़ रहा है, निकल रहा है, जुड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अपने को कुछ नहीं ध्यान में रखना। जल को एक बार जोड़ना है, दूसरी बार निकालना है, और तीसरी बार वापस जोड़ना है। यहां पानी को ऐड किया, यहां पानी को बाहर निकाला, फिर पानी को ऐड कर दिया। अब यही छोड़ दो इसको, पानी को अब बंद करना है, अपने को जोड़ना निकालना, जोड़ना निकालना, बहुत हो गया यहाँ पे। अपने ये 6 कार्बन का है, तो ये भी कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। अब यहाँ पे ये जो 2 स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड होता है, ये इस आइसोसिट्रिक एसिड का क्या होता है, अपने यहाँ पे ये चलो यहाँ पे अपने को ऊर्जा दे बाहर निकलेगी। यहाँ क्या था, NAD+, यानी यहाँ क्या बन गया, NADH+ H+। दो दो की गणित तो हमेशा ही ध्यान में रखनी है। यहाँ पे बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये अपचयित हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, NAD+ से क्या बन जाता है, NADH+ H+ का निर्माण हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइम कौन सा उपयोग में आएगा, डी हाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट तो इसको अपन आगे जोड़ सकते हैं, आइसोसिट्रेट जोड़ सकते हैं अपन, फिर भी मैं नॉर्मल जिसे कि अपने को आसानी हो सके इसलिए लिख रहा हूं डिहाइड्रोजिनेज। नहीं तो अपने को एंजाइम की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा एंजाइम क्या कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये 6 कार्बन का है और ये हो जाता है यहाँ पे आके 5 कार्बन का, जो कि क्रेव चक्कर का एकमात्र ऐसा उत्पाद है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। बाकी या तो 6 कार्बन मिलेंगे या फिर मिलेगा 4 कार्बन का मिलेगा। तो 5 कार्बन का कब होगा, जब यहां से CO2 बाहर निकलेगा। यानी मैंने बताया क्या था, अभी जैसे लिंक अभिक्रिया में क्या प्रोसेस बताई थी मैंने, कि किसी का ऑक्सीकरण होता है तो किसी का अपचयन होता है। यदि इस वर्ड को मैं यहां से हटा दूं, सीधा आइसोसिट्रिक से बात कर लूं मैं, सीधा एल्फा कीटो ग्लूटेमिक एसिड बन रहा है। अभी 1 मिनट के लिए इसको ऐसे बंद दबा दो, छिपा दो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि यहां से 1 कार्बन किस रूप में बाहर निकल गया, CO2 में ऑक्सीकृत हो गया, जैसे लिंक अभिक्रिया में हुआ था अभी जैसे थोड़ी देर पहले, वो की वही प्रोसेस यहाँ हुई है, हो गया। तो यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन भी क्या हुए, रिमूव हुए। तो उन हाइड्रोजन को ग्रहण किसने किया, इस NAD+ ने ग्रहण किया, और किस में अपचयित हो गए, NADH+ H+ में ये अपचयित हो गया। थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूलना है अपने को। तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और डीकार्बोक्सीलेशन भी हो रहा है।
यहाँ ध्यान रह सकता है ना, सीओ टू बाहर निकल रहा है, तो जब बाहर निकलता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सीलीकरण कहा जाता है उसको। यहाँ पे अपने क्या हुआ, ये समोसा अपन ने यहां से काटा था, जब काटा था समोसा तो एक भाग तो इधर फिक गया और एक भाग इधर गिर गया, तो यानी कि जब उसका उपयोग होगा तो यहाँ अपने को एनर्जी मिलेगी, जब इधर वाले का भी उपयोग करेंगे अपन, जब उसका उपयोग करेंगे तो यहाँ से भी क्या मिलेगी, एनर्जी। तो मैंने ये एनर्जी तो बनाई है, यानी यही आगे जाके कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से एटीपी का निर्माण करेगा, यानी कि एनर्जी उत्पादन करेगा। तो अब इधर आगे भी अपन क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। पांच कार्बन का था, फिर यहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये चार कार्बन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि फिर क्या हुआ, एक सीओ टू क्या हो गया, यहां से रिमूव हो गया, एक सीओ टू रिमूव हो गया, तो फिर क्या हुआ, कौन सी क्रिया चली, डी कार्बोक्सीलेशन की प्रोसेस चल गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि एक पार्ट इधर गिरेगा एक पार्ट उधर गिरेगा, उस पार्ट का उपयोग करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, अब इधर भी गिरा हुआ है उसका उपयोग करेंगे तो वो भी क्या मिलेगी, उसके द्वारा भी एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है सेम टू सेम इधर होनी है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ Na+, जो कि मैट्रिक्स में पड़ा हुआ था वो उसने हाइड्रोजन को ग्रहण किया और क्या बना लिया, NADH+H बना लिया, दो दो की गणित तो शुरू से ही बताता आ रहा हूं, ये ध्यान में रखनी है, ये यहां से दौड़ेगा, दौड़ते हुए यहाँ पे पहुंचेगा और क्या करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने दो पार्ट्स हो गए कंप्लीट, दो जगह अपन ने एनर्जी प्राप्त कर ली। अब जब अपन ने उसको काटा था तो वो किसी कारणवश क्या हुआ, पूर्ण रूप से नहीं कट पाए, यानी पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाई अपनी प्रोसेस, इस कारण पहले अधूरा कटा हुआ, इस कारण पहले यहाँ क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया यहाँ। फिर अपने जो समस्या आई थी उस समस्या को सोल्व करके अपन ने और क्या कर लिया, उसको पूर्ण रूप से कट कर लिया, यानी अपना जो कार्य था उसमें अपन सक्सेस हो गए कटने में। तो ये यहां क्या करता है, यहां पे क्या करता है, एनर्जी उत्पादन करता है, और वो किस रूप में करता है, जीडीपी, जीडीपी से क्या बनाता है, जीटीपी, जीटीपी पहुंचेगा आगे की प्रोसेस में और किससे बनेगा, एडीपी से जुड़ेगा और एडीपी से क्या बनाएगा, एटीपी, यानी कि एटीपी बोलो जीटीपी बोलो बात एक ही है, यानी इसमें भी जीडीपी और जीटीपी क्या है, गुआनोसिन डाइपोस्पेट से क्या बना, जीटीपी, यानी कि यहां से क्या हुआ, एक पोस्पेट समूह रिमूव हुआ है, यहां डाइपोस्पेट था यानी दो ही पोस्पेट थे और यहां ट्राइपोस्पेट हो गया, यानी कि एक पोस्पेट इसमें क्या हो गया, एड हो गया, तो यानी कि मैं यहां क्या करता हूं, H3PO4 को बाहर निकाल देता हूं, यानी फॉस्फेट समूह बाहर निकलेगा, उस फॉस्फेट समूह को कौन ग्रहण करेगा, जीडीपी, और क्या बनाएगा, जीटीपी, जीटीपी आगे प्रोसेस चलाएगा और एडीपी से जुड़ते हुए एटीपी का निर्माण कर लेगा, ये प्रोसेस चल रही थी यहां तक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां सक्सेस होते हुए अपन यहां तक पहुंच गए, काट पीट के कंप्लीट है। ये भी कितने कार्बन का था, चार कार्बन का, यहाँ चार कार्बन है तो यहाँ भी कितने हो गए, चार कार्बन, ठीक है। यहाँ पे जो सक्सीनेट होता है वो फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ मेला होने से पहले अपने को क्या ध्यान में रखना है, उसको पहले फीका मेला करना है, एफ से फीका और एम से क्या हो गया, मेला, यानी फीका मेला करना, एक बार में उसको पूरा गंदा नहीं करना है, फीका मेला बनाना है उसको पहले। तो यहाँ ऐप आ रहा है तो यहाँ भी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस होती है ये मैं बताता हूँ, Fe+ होता है वो क्या करता है, FeDH+H+
प्लस, या इसी को शॉर्ट रूप में लिखूं तो FADH2 का निर्माण कर लेता है। जो भी कहां पहुंचेगा, ये भी भगा 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 यहां पहुंचेगा और एनर्जी का उत्पादन करेगा, यानी ATP का निर्माण करेगा। कितने का करेगा वो बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन यहां फ्यूमेरिक एसिड है, ये भी ऐप है, ये भी ऐप है, तो ऐप ऐप से ध्यान में रखना कि जब फ्यूमेरिक बनता है तभी FADH2 का निर्माण होता है। यहां से कोई कुछ नहीं है, जबरदस्ती क्या हुआ, ये पूरा मेला हो गया, कोई काम की चीज नहीं है। अब मेला हो गया तो अपने को क्या करना है, उसको साफ सुथरा बनाना है। तो यहाँ क्या कर दो, ये साफ सुथरा बना के, और क्या बना लिया अपन ने, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये चार कार्बन का है, ये भी चार कार्बन का है, और ये भी चार कार्बन का ही होगा। यहां से क्या होगा, मेलिक एसिड का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी किधर बनानी है अपने को, चलो इधर अंदर की साइड बनाते हैं। ये एनर्जी अपने को लास्ट में जो बची है उसका भी निचोड़ निकाल लेना है। NAD प्लस से क्या बन जाएगा, NADH प्लस H का निर्माण होगा। यहाँ पे दो अणु है, ये दो दो की गणित सभी में कंप्लीट चलती जाएगी। तो ये अपने यहाँ तक में क्या है, यदि एंजाइम होगा तो यहाँ भी क्या होगा, मेलेट मेलिक एसिड से बन रहा, तो पहले तो मेलेट लिखना है, NADH प्लस H बन रहा है तो क्या जोड़ देना है, डी हाइड्रोजिनेज, और बाकी कोई से अपने से लेना देना नहीं है कि कौन से एंजाइम उपयोग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या अपने को प्रोडक्ट मिला, अब इसमें अपने को करनी है ATP की कैलकुलेशन। सबसे पहले यहां से इसको थोड़ा सा छोटा लिखूं मैं, और FAD प्लस से क्या बन गया, FADH2 का निर्माण। अब यहां पे क्या कर रहा हूं, आपको इंडिकेट क्या करना है, एक तो NADH प्लस H बना, एक NADH प्लस H बना, एक GTP या फिर ATP बना, एक FADH2 बना, और फिर एक NADH प्लस H बना। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने को ATP की कैलकुलेशन करनी है। ये यहाँ पे क्या है, ATP, ये वापस मिटा देता हूं, और यहीं पे अपने को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ये तो पहुंचेगा, ये बगेगा, और ये भी क्या होगा, इसी के साथ में यहाँ जाएगा, तब जाके ये ATP का निर्माण करेंगे सर। और यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे चलेगा ETC या ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब अपने को क्या करना है, ATP की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले ले लो NADH+H+। अब इसके कितने बने अपने पास, दो यहां पे बने, दो यहां पे बने, चार, चार दो यहां पे बने, छह बन गई। तो मैं यहां सीधा लिख देता हूं इसको छह, यानी अपने कितने तीन जगह पे बने हैं और दो दो बनते हैं, इस कारण अपन ने सीधा कितना लिख दिया, छह NADH+H+ का निर्माण हो गया। फिर अपने एक और क्या बनाता, एक बनाता FADH2। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, दो दो की गणित तो ध्यान में रखनी है, तो ये दो FADH2 बन गई, ठीक है। और क्या बना इसमें, ये बना यहाँ पे एक ATP, यानी दो दो मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, दो लगा दो, दो लगा दो, ये दो लगा दिए, यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, दो ATP का निर्माण हो गया, ठीक है, दो ATP का निर्माण हो गया। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं NADH+H+
एच प्लस, एक एन ए डी एच प्लस एच प्लस में कितने होते हैं? 3 ATP के बराबर ऊर्जा होती है। एक एफ ए डी एच टू बराबर कितने होते हैं? 2 ATP होते हैं। और एक ATP बराबर कितना होता है? 1 ATP होता है। तो 6 अणु हैं तो कितने हो जाएंगे? 18 ATP हो जाएंगे। 2 है तो कितने हो जाएंगे? 4 ATP हो जाएंगे। 18 और 4 कितने हो गए? 22। 22 और 2 ATP बराबर कितना हो गया? 2 ATP। टोटल कितने हो गए? 18 4 22, 22 से 2 कितने हो गए? 24 ATP। 24 ATP हो गए। अभी तक यहाँ कंप्लीट नहीं है अपने। फिर मैंने पहले यहाँ क्या प्रोसेस बताई थी जो अपन ने मिटा दिया है, वहां भी लिंक अभिक्रिया, और लिंक अभिक्रिया में भी क्या था, यहाँ लिख दूं मैं इसको, लिंक अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे बने थे 2 NADH+H+, तो बराबर कितने हुए? 2 में कितने हुए? 6 ATP। तो टोटल कितने हो गए? 30 ATP। अब यहां तक किसी को कंफ्यूज है तो वो पूछ सकता है कि ये एटीपी कहाँ से आए या कौन सा एटीपी कहाँ पे बना है। अर्थात क्या होता है, अब यदि इसको फिर पूरे को मिटाने के बाद में पूरे श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं वो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। तो यहां तक यदि किसी को कंफ्यूज है तो वो पूछ सकता है कि ये एटीपी कहां से आए या कहां पे जाएंगे। जो ये सर्किल मैंने बनाया है, ये एटीपी कहां बनेंगे? ये एटीपी जब ये प्रोसेस चलेगी तब जाके बनेंगे ये एटीपी। अभी अपन ने क्या माना है कि इनमें इतनी इतनी ऊर्जा होती है तो उसका कैलकुलेशन किया है केवल, अभी बने नहीं है। बनेंगे तो कब? जब ये ETS या ATC श्रृंखला चल जाए तब जाके बनेंगे। क्या लिखा है फ्यूमेरिक में? H2 कहाँ है? जो मैंने कहाँ लिखा है फ्यूमेरिक में H2 है, मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं लिख रखा कि फ्यूमेरिक में H2 है, कहीं नहीं लिखा मैंने तो फ्यूमेरिक में H2 है, और नहीं मैंने बोला है। अब फिर पता नहीं क्या है, फ्यूमेरिक में मैंने कहीं नहीं लिखा कि H2 जुड़ रहा है, H2 निकल रहा है, या H2 का उपयोग में आना है। H2 के लिए, पानी के लिए तो मैंने यहाँ 3 चीजें बताई है, एक बार पानी जोड़ना, एक बार पानी निकालना, फिर एक बार और पानी जोड़ना है। पानी जोड़ना है, निकालना है और जोड़ना है, केवल वो पहले की 3 स्टेप में पूरा हो गया, उसके बाद में पानी से कोई लेना देना नहीं है अपनी। अब यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर उसके बाद में अपन टोटल श्वसन के जो एटीपी बनते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं उनकी बात करेंगे। नहीं है प्रॉब्लम तो मैं प्रॉब्लम बताता हूं आपको। पूछा जाए एक और, पहले क्या चीज बताई थी मैंने, जो अपने आई थी ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन या सबस्ट्रेट लेवल, यानी कि आधार ये
चलो नहीं है किसी को प्रॉब्लम, नहीं है तो अब इसको मिटा के और मैं टोटल एटीपी की कैलकुलेशन करता हूं, साइड की चीजों को मिटा देता हूं यहां से। अब यहां से अपने क्या ध्यान में रखना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से पहले क्या बना, पाइरूविक अम्ल, पाइरूविक अम्ल से फिर क्या बना था, एसीटाइल को एंजाइम ए, एसीटाइल को एंजाइम ए से क्या बना अपने लास्ट ही लास्ट में क्या बना था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं, या फिर अपने यहाँ पे क्या ध्यान में रखना H2O बन गया था और CO2 और ऊर्जा, ये यहाँ पे अपने प्रोसेस कंप्लीट है। लेकिन ये कब, जब वो ETC चल जाएगा तब जाके कंप्लीट होगी ये, क्योंकि जो ATP बनेंगे वो वहीं से बनेंगे। इसको तो क्या बोला था मैंने, ग्लाइको ग्लाइको लाइसिस, यहां से यहां तक बोला था मैंने, लिंक अभिक्रिया कहा था इसको, और यहां से यहां तक को क्या बोला था मैंने, क्रेब्स चक्कर क्रेब्स साइकिल कहा इसको। अब यहां से क्या हुआ था, अपने दो एटीपी यहां से बने थे और इसके अलावा दो NADH+H यहां से बना। इस प्रोसेस में क्या हुआ था, दो NADH+H यहां से बने थे, फिर अपने यहां से क्या हुआ था, तीन जगह क्या बने थे अपने, NADH+H बने थे। तो मैं क्या लिख देता हूं इसको, छह डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, छह NADH+H यहां बने थे और दो FAD एक ही जगह बना था इसलिए दो हो गए, FADH2 बना था, और एक जगह क्या बने थे, ATP यानी GTP बोल दो या ATP बोल दो, GTP लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं है, ये GTP। अब अपने को क्या करना है, ये क्या करेगा, दो एटीपी प्रोड्यूस करेगा, एक एटीपी बराबर एक एटीपी होता है, NADH+H+ में कितने होते, तीन, तो तीन कितने हो गए, छह एटीपी, यहां से भी कितने हो गए, छह एटीपी, यहां से कितने हो गए, 18 एटीपी, यहां से कितने हो गए, दो होते हैं एक FADH2 में, तो दो में कितने हो गए, 4 ATP, और एक GTP बराबर होता है एक ATP, तो यानी 2 ATP। अब टोटल को जोड़ लो कितने हुए, ये हो जाते हैं 6 और 2 8, 8 6 कितने हो गए, 14, 14 और 18 कितने हो गए, 14 और 18 22, 22 और 4 हैं 32 और 4 36, 36 और 2 कितने हो गए, 38 ATP। होते हैं। अब कहां समस्या आ रही है इसमें, 38 ATP बनते हैं श्वसन में। अब कहीं जगह आपको हो सकता है 36 भी मिल जाए, कहीं जगह 32 भी मिल सकते हैं और कहीं जगह 30 भी मिल सकते हैं। बुक्स में यदि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे 12वीं के अलावा तो 36 भी मिल सकते हैं और 32 भी मिल सकते हैं और 30 भी मिल सकते हैं। यदि मिलता हो कहीं आपको तो आप पूछ लेना बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी
हल है अपने पास कि कब कितने अपने को काउंट करने हैं, क्योंकि मैंने कुछ एक ऐसी चीज बताई थी कि जैसे अपन 3 ATP मान रहे, तो 3 एग्जैक्ट 3 नहीं होते हैं, लगभग होते हैं वो। अब यहाँ पे ATP की कैलकुलेशन करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो वो पूछ सकता है कि ये क्या चीज हुई या कहाँ कहाँ से ये चीजें आई। मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ क्लियर कर दिया है, अब इसमें क्या चीज बाकी रह गई वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ मैं कुछ दो चीजें बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो भी क्या है अभी, तो जैसे मैं यहां लिख सकता हूं, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 1। एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, पहली बात। फिर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। एक अणु पाइरूविक अम्ल के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है अपना, दो अणु पाइरूविक अम्ल के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं। तीनों का आंसर देना है फटाफट, जैसे ही तीनों का आंसर मिलता है और अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको ये मैंने यही आपके सामने लिख रखे, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए इसमें आपको एटीपी का कैलकुलेशन करना है। अब जल्दी से फटाफट आंसर दे और अपने क्लास को कंप्लीट करे, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक अपनी क्लास कंप्लीट नहीं होगी। तो अब जल्दी जल्दी कैलकुलेट करे और आंसर दे। आ रहा है किसी को? अरे जल्दी आंसर दे। ये जिसने भी आंसर दिया है फर्स्ट का 8, तो वो अपना नाम बताए, जो मेरे को पता लगे कि 8 सही है गलत है, 8 कहाँ से आए, कितना दिमाग लगाया है, जो 8 15 30। और भी है कोई जवाब देने वाला? यह सब सो गए?
हाँ ये प्रशांत बताना रे क्या है इसका आंसर है? अरे प्रशांत को आवाज आ रही है तो बता रहे कि क्या क्या है इनमें एटीपी। और यदि मैं यहां एक और वर्ड जोड़ दूं, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, अब कितने एटीपी बनेंगे यहां पर? थोड़ा सा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को चेंज कर दिया। चलो, एक ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पे कितने एटीपी बनते हैं? बाकी दो क्वेश्चन तो सेम है, पहले कोई आंसर बताए तो फिर मैं बता दूं एक बार और क्या क्या है क्या नहीं है। चलो आधे तो बग गए कि हाँ पहले बता दिया कि क्लास खत्म होगी, सही है? अब तो अपने को आंसर क्यों देने हैं, क्यों जबरदस्ती बेइज्जती होगी? ये प्रशांत गायब हो गया बेटा, एग्जाम में तेरे आएगा मेरे नहीं आएगा एग्जाम में, ये समझ में नहीं आया हो तो पूछे वापिस, क्लास छोड़ने से काम नहीं चलेगा। हाँ वापिस जुड़ा है तो बता, जल्दी बता क्या है। चलो ये पहले दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अपन। एक अणु पाइरूविक अम्ल के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनेंगे? तो यहां क्या था, एक अणु तो था ग्लूकोज का, यहां कितने बने थे? दो अणु बने हैं। यहां कितने बने थे? दो अणु बने, और ये भी दो दो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, एक अणु पाइरूविक अम्ल के, पहले छोड़ अपन तीसरे से शुरू करते हैं, दो अणु पाइरूविक अम्ल के ऑक्सीकरण से, तो यानी कि यहां से यहां तक के एटीपी को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला एक अणु पाइरूविक अम्ल के ऑक्सीकरण से कितने बनेंगे, तो इसके आधे कर लो, यहां कितने थे 30, यानी इसका आंसर कितना है 30, और इसका आंसर कितना है 15 एटीपी, आधे हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, इसमें क्या है? और फिर पूछ लिया जाए कि एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीकरण से कितने बनेंगे, तो केवल अपने को यही जोड़ने रहते हैं। ये इसलिए ही बनाया मैंने ये चार्ट, जिससे कि अपनी एटीपी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और अब ये किसी को आ गया हो पूर्ण ऑक्सीकरण से तो वो भी बताए। चलो मैं ही बता देता हूँ, पता नहीं आवाज आती है कि नहीं आती है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, मेरे को तो पता नहीं है। तो पहला तो क्या था अपने क्वेश्चन, एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, यानी कि अब मैंने पूर्ण कर दिया तो पहले क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। जब भी आएगा ये एक क्लियर आएगा कि पूर्ण ऑक्सीकरण है या अपूर्ण ऑक्सीकरण है। अपूर्ण ऑक्सीकरण है तो मीनिंग क्या हुआ कि यानी कि अनोक्षी प्रकार का शोषण हुआ है, यानी अनोक्षी श्वसन में क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण किस में होता है, ऑक्सी श्वसन में होता है। तो यहां से यहां तक की प्रोसेस क्या चली अपने अनोक्षी श्वसन की, क्योंकि ये प्रोसेस तो क्या है दोनों में ही सेम रहेगी। तो यहाँ कितने हुए, 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी 8 एटीपी है। अब मैंने पूछा है फिर पूर्ण ऑक्सीकरण, तो पूर्ण ऑक्सीकरण यानी यहां से लेके
और यहां तक, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण ऑक्सीकरण। तो ये कितने हो गए? ये इतने बड़े बड़े लिख रखे हैं, कितने हैं ये? वही इसका आंसर है। तो आज की अपनी क्लास यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। यदि किसी प्रकार का डाउट हो, 10 ATP, 10 ATP कहाँ से आएंगे रे? 10 ATP बताए हैं, तो 10 ATP कैसे हो गए? मैं पूछ रहा, पूर्ण ऑक्सीकरण होने से ही तो ये चीजें प्राप्त होगी, तभी तो श्वसन कंप्लीट होगा। तो पूर्ण ऑक्सीकरण से अपने कितने होंगे? ये 38 ATP होंगे। ध्यान में रखना ये चीज, जब आप अरे बायोलॉजी लेते हो, नीट का एग्जाम दोगे या नहीं दोगे, डॉक्टर बनना नहीं बनना है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है 12वीं के साथ साथ में ही। ऐसे नहीं कि फिर 12वीं करने के बाद में फिर सोचेंगे परसेंट बनेंगे तो अपन तैयारी शुरू करें। तो ये आंसर भी मैंने बता दिया है, ये आज की क्लास अपने यहीं तक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करेंगे? अपनी चौथी स्टेप, यानी कि जो ये NADH+H है, FADH+ है, GTP+ है, तो ये कैसे ATP बनाएंगे? अभी तक इन्होंने ATP नहीं दिए अपने को, अभी तो ये एक क्रिया में जाएंगे, वो क्रिया फिर अपने को ATP देगी। अपने ये माना है कि ये ऐसा ऐसा होगा, अभी तक नहीं दिए इन्होंने अपने को, हाथ में नहीं दिए, देंगे तो कब? ये जब अपने क्या होगा, ETS या ETC अपन चक्कर पड़ेंगे, उस चक्कर के द्वारा अपने को हाथ में मिलेगा। तो थैंक यू। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछे, आपको आंसर मिल जाएगा।